अगली खबर नारायणपुर से, जहां ओरछा पहुंच मार्ग जर्जर हो गया है, जिस पर राहगीरों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। तो वहीं स्कूली बच्चे भी सड़क पर पानी से भरे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसके संधारण के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए इस सड़क को लेकर हम ग्रामीणों से भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ ग्रामीणों के द्वारा नाउ मुंजमेटा में एक बार फिर से अपनी मांगों को रखते हुए रोड को आवागमन बंद कर दिया गया है। और ये आवागमन जो है सिर्फ उन ट्रकों को रोका गया है जिन ट्रकों से यहाँ के रोड को नुकसान पहुँच रहा है। आइए हम सीधा चर्चा करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से, क्या उनकी मांगे हैं। और पिछले दफा जो ये ग्रामीण इसी जगह पे धरना प्रदर्शन दिए थे रोड को लेकर, वहां इनको शासन प्रशासन के द्वारा क्या क्या आश्वासन दिया गया था। जाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी कर चुके थे, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ना बनाया गया ना कुछ नहीं, क्योंकि आए दिन यहां दुर्घटना होते जा रहा है। क्योंकि अभी स्कूल बच्चे लोग भी आना जाना में बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि पूरा कीचड़े भरा हुआ है रोड में। उन लोग बोले थे कि कुछ दिन में बना देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक 1 मई तक बोले थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी पूरा रोड ही खत्म हो गया है। देखो आए दिन तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी स्कूल बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत, क्योंकि यहाँ से गढ़बेंगल पढ़ने जाते हैं, क्योंकि पूरा गड्ढे भर चुके हैं। अगर प्रशासन अगर कुछ नहीं करता है तो और आगे तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे ट्रक ड्राइवर के एक बहुत ही बुजुर्ग, और उनके अनुभव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अब तक किन किन क्षेत्रों में किन किन माइंसों में गाड़ी चला चुके होंगे। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। भी आपका नाम बताएंगे? अंग्रेज सिंह। अंग्रेज सिंह। अंग्रेज कहाँ से हो आप? हम दुर्ग से। दुर्ग से यहाँ नारायणपुर अभी ट्रक लेके आए हैं आपको। हाँ। तो दुर्ग से नारायणपुर पहुँचते तक और नारायणपुर से खदान पहुँचते तक किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रोड की परेशानी और कोई परेशानी? रोड की ही परेशानी है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी चलाते समय क्या एक डर आपको लगे रहता है कि गड्ढों की वजह से कहीं आम जनता को नुकसान ना पहुंचे? किसी को भी हो सकता, जनता को भी हो सकता है, जानवर को भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है। तो अभी तक जैसे आप रोड में चलते हैं, आपकी गाड़ी को कोई नुकसान? गाड़ी का नुकसान किसी टाइम भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े खड्डे है भाई। तो आप क्या चाहते हो कि सड़क बनना चाहिए? बनना चाहिए भैया, और हम क्या चाहते हैं बस। तो इनका भी यही कहना है, एक ट्रक ड्राइवर हैं और बहुत ही सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं यहाँ पे, और इनका भी यही कहना है कि इनको भी कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते वक्त एक डर मन में बने रहता है, कहीं ना कहीं पे इनका रोजी रोटी का सवाल है। इसीलिए आज इतनी बड़ी ट्रक को इस उम्र में भी इस रोड में ले जाने के लिए मजबूर हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के जिला प्रशासन, PWD और जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो कम से कम अपने जनता के लिए और अपने आज के जो शिक्षा को लेकर जो ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, उन स्कूली बच्चों के लिए इस रोड को बनाया जाए। देर पहले हमने एक ट्रक ड्राइवर जो सीनियर सिटीजन थे, उनका जो दर्द था वो आप लोगों ने सुना। साथ ही इस रोड में डेली इस रोड में जो आना जाना करते हैं बस चालक से हम जानना चाहेंगे कि उनको लगातार जब से माइंस चालू हुई है और यहाँ का जो रोड का स्थिति को लेकर ग्रामीणों द्वारा जो मांग किया जा रहा है जर्रर सड़क को लेकर, उस जर्रर सड़क में यात्रियों को बिठाल कर ले जाना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ढालकर सवारियों को उनके ठिकानों तक पहुंचाना, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम चालक जी से जानना चाहेंगे। आपका नाम बताएंगे? अशोक। अशोक जी, आप कब से चल रहे हैं इस रोड में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में आपको इस रोड में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ तो ट्रक इतना लाइन लगा रहता है, इस साइड देने में भी मुश्किल हो जाता है, और फिर इतना रोड खराब है, जहाँ 2 घंटा लगता था अभी वहाँ 3 घंटा लग रहा है पहुँचने में। रोड को बने और खराब हुए कितने साल हो रहे हैं? रोड बने हुए 2 साल से खराब है पूरा। 2 साल से खराब। और रोड जब बना था तब आप इस रोड में चलते थे? जी हाँ। तब कितना समय लगता था और कितना सुविधा होता था? 1.5 घंटा लगता था हमको नारायणपुर से ओरछा पहुंचने में, अभी 3 घंटा लग रहा है। 3 घंटा लग रहा है। हाँ। तो इसमें यात्रियों को भी परेशानी होता है और कहीं ना कहीं आपको गाड़ी चलाते वक्त एक डर मन में जो बना रहता है कि कहीं आम जनता को परेशानी ना हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र और
होने की वजह से गाय बैल है जानवर किसी को परेशानी न हो, इनका सामना करना पड़ता है? सबका सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी हो रहे हैं। लगभग आप कितने साल से इस रोड में आना जाना कर रहे हैं? इस रोड में करीब 4 साल हो गया है। 4 साल हो गया, 4 साल में 2 साल से आप रोड को लेकर परेशान हैं। हाँ। तो आपका क्या मांग है शासन प्रशासन से? भैया रोड को बना देता तो अच्छा रहता। रोड को बन जाने से आपको? बन जाने से बहुत सुविधा हो जाएगा। और किन को सुविधा होगा, किन किन को सुविधा होगा? सभी को सुविधा होगा इसमें। हमारे साथ यहाँ पे डेली मार्केट जो लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो वाहन चलाते हैं बाजार गाड़ी, उन बाजार गाड़ी के सवारियों से भी हम पूछना चाहेंगे और उनके चालकों से भी पूछना चाहेंगे कि वो किन किन परेशानियों का सामना करके बाजार पहुंचते हैं। कौन है बाजार, नाम बताएंगे? संतोष कुमार सोनी। आप कितने साल से इस रोड में आना जाना कर रहे हैं? मैं इस रोड में कम से कम हो गया 10 साल से आना जाना कर रहा हूँ और लगभग पिछले 1.5 साल से रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ओरछा बस, ओरछा हम जाते थे बाजार तो हमको लगभग 1 घंटा लगता था, अब लगता है पूरे 3 घंटे लगते हैं। रोड की हालत बहुत ज्यादा जर्जर हो गई है माइंस के चलते, तो प्रशासन से यही निवेदन है कि रोड को जल्द से जल्द बनाए और जितने ड्यूटी वाले हैं और बाजार वाले हैं, काफी दिक्कत होती है, पूरे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। तो चलिए, ये तो इनका दर्द है जो छलक क्या रहा है, रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूरन इस रोड में इनको आना जाना कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्कूली शिक्षक भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि रोज किस प्रकार से इस रोड में आवाजाही करते हैं और किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हैं। मैं डेली विजय सर्विस करने वाले जो शिक्षक मैम हमारे साथ हैं, वो भी अपने दर्द को इस रोड में आने जाने का बयां करेंगे। जी मैडम, अपना नाम बताएंगे? श्रीमती माधुरी सलामे। कहाँ पढ़ाते हो आप? मैं धौड़ाई मिडिल स्कूल में पढ़ाती हूँ। डेली नारायणपुर से अप डाउन करते हैं? जी। क्या में करते हैं? बस से आना जाना करते हैं। बस में आने का कारण क्या है? बस में आने का कारण ये है कि बच्ची छोटी है, ससुर है, वो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकती वहाँ ना, इस वजह से आना जाना करती हूँ। पहले यही रहती थी हमारी सासू माँ थे, तो अब उनका भी देहांत हो गया है, घर में कोई लेडीज भी नहीं है, बच्ची छोटी है, एक बच्ची स्कूल जाती है। अब यही रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोड तो बहुत बदतर हो गया है भाई, उम्मीद कर रहे थे आज बन जाएगा कल बन जाएगा करके, लेकिन रोड बन ही नहीं रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है आने जाने में, और बस भी इतनी भीड़ रहती है कि जैसे खड़े खड़े गए तो एक दिन, खड़े गए तो 3-4 दिन परेशानी, हाथ पैर पूरा दर्द हो जाता है, बहुत परेशान है रोड से, रोड बनना ही चाहिए भाई। तो एक शिक्षिका होने के नाते ये अपना परिवार भी संभालते हैं और मजबूरन इनको बस में आना जाना करना पड़ता है, समय को ध्यान में रखते हुए इनको भविष्य बच्चों का जो तैयार करना होता है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं। जर्जर सड़क में ये सही सलामत स्कूल पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें भी एक कसम है। साथ ही हमारे साथ यहाँ पे हम बस के अंदर चलेंगे, बस के अंदर सवारी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, उन सवारियों से भी हम चर्चा करेंगे। कहाँ के हो दीदी आप? मैं यही नारायणपुर। अच्छा, कोंगेरा जा रही हूँ। अच्छा, कोंगेरा जा रहे, क्या करते हो? मैं शिक्षा कर्मी हूँ। तो आपको क्या परेशानी होता है रोड में आने जाने? आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बच्चे के साथ ड्यूटी करते हैं तो। एक छोटी सी बच्ची को लेकर जिस प्रकार से एक शिक्षिका बस में सफर कर रही है और सफर करते हुए किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी आप सुन सकते हैं। दीदी अपना नाम बताएंगे? मैं श्रीमती लता बघेल हूँ। मैं भी धौड़ाई में जाती हूँ पढ़ाने के लिए, लोहरापारा स्कूल में। बस का इतना मतलब रास्ता इतना खराब है कि बस चलना बहुत ही एकदम खतरनाक है। हम अब छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके जाते हैं भाई, तो रास्ता बहुत खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और भी लोग हमारे साथ पीछे मौजूद हैं यहाँ पे, तो सर अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम अरविंद कुमार गडाम है। जी आप कहाँ जा रहे हैं? उच्च प्राथमिक शाला मनुपाल जा रहा हूँ मैं। आप कितने साल से इस रोड में आना जाना? ये करीबन 4 साल हो गया मुझे। 4 साल? चार। रोड पहले कैसा था और अभी कैसा है? पहले तो बाइक में भी आना जाना कर सकते थे हम, लेकिन अभी की स्थिति में रोड इतना बदतर हालत में है, जगह जगह गहरे गड्ढे हैं कि बाइक में आना जाना भी संभव नहीं हो रहा है। बाइक में आना जाना करने से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। जी जी, हमारा भी जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हम बस में आना जाना कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे हमारे साथ और महिलाएं हैं। दीदी आप कहाँ के हो? प्राथमिक शाला मोनपाल शिक्षिका हूँ। जी, तो लगभग यहाँ पे शिक्षिका और शिक्षक जो है बस में ज्यादा नजर आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनका सभी का मांग है कि शासन प्रशासन से रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और उसी को लेकर लगातार ग्रामीण जो हैं बार बार इस रोड में आंदोलन करने के लिए बाध्य होते जाए। जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं,
नारायणपुर जिला मुख्यालय से ओरछा मार्ग पर आमदई निको माइंस का एक खदान संचालित हो रहा है, जिसको लेकर आज लगातार ट्रकें इस रोड में आवाजाही लगातार कर रही हैं। बरसात के मौसम में भी और इससे पहले भी रोड की स्थिति इतनी दयनीय थी कि इस रोड में कई हादसे भी हो चुके हैं। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि इसी मार्ग पर ग्राम गढ़ बंगाल में कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के रूप में जो जाने जाते हैं, वरिष्ठ नेता जिनको आज नारायणपुर जिले के हर एक व्यक्ति जानते हैं, उनका जो घर है वो भी इसी मार्ग में आता है। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ उनके घर के बाहर की जो सड़क है, इस रोड का जो मेन रोड है, वहाँ की स्थिति भी दिखाऊंगा। जो सरकार में बैठे हैं एक बड़े चेहरे के नेता के रूप में, आज प्रदेश महामंत्री के रूप में वो हैं, उनके रास्ते पर भी इस तरह के जो स्थिति देखी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारायणपुर जिले में जो बड़े चेहरे के कांग्रेसी नेताएं हैं आज सरकार में बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार से कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। जो अपने जनता के लिए और अपने ही चलने के लिए जो मार्ग होती है, आवागमन के लिए जो सुविधाएं देनी होती है सरकार के द्वारा, जिन नेताओं का फर्ज होता है कि जनता ने अगर उनको सर पे बिठाया है या उनको जिता कर यहाँ लाया है, अपने नेता के रूप में चुना है, जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो उनका फर्ज बनता है कि यहाँ की जनता को वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश करें और कम से कम रोड, पानी और ये मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उस पर विशेष ध्यान दे। आप सोच सकते हो कि निको माइंस में चलने वाली ट्रकों से इस रोड की स्थिति क्या हो रही होगी, और आज जो ग्रामीण यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे, और मजबूरन उनको बार बार इस आंदोलन को करना पड़ता है। साथ ही जो स्कूल अभी चालू हुआ है, स्कूल चालू होने से यहाँ पे जो आवागमन को लेकर बच्चों को उनके परिजन हैं वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से हाई स्कूल नारायणपुर पड़ता है, 9 किलोमीटर दूर पड़ता है, कॉलेज भी यहाँ से नारायणपुर पड़ता है, 9 किलोमीटर दूर ही पड़ता है, तो यहाँ पे छोटे बड़े हर बच्चे जो शिक्षा लेने नारायणपुर की ओर जाते हैं, और हर परिजन को, हर परिवार को एक डर समाये रहता है कि कहीं उनके बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। साथ ही उन परिवार जनों को भी चिंता बने रहता है जो सरकारी नौकरी करने के लिए अबूझमाड़ में आज जा रहे हैं और सरकार की बुनियादी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। क्या वो उस रोड में चलने से सुरक्षित होंगे नहीं होंगे, हम सीधे आज चर्चा करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन से। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।